बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम। प्रोग्राम बसीरत में हाज़िर खिदमत में रूहानी वज़ाइफ़ का सिलसिला हमारा जारी और सारी है। बहुत सारी अमराज के हवाले से हमने पहले भी वज़ाइफ़ आपको बताए हैं, लोग इससे फ़ायदा भी हासिल करते हैं, हमसे राबता भी करते हैं, दुआ भी करते हैं। अल्लाह पाक हम तमाम के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, मुश्किलें आसान फरमाए, बीमारियों से निजात अता करे, परेशानियों से निजात अता करे। एक परेशानी, एक बीमारी बड़ी जो आम हो गई है, हर दूसरा शख्स इस बीमारी में मुबतला नज़र आता है। बवासीर की सूरत में दवाइयाँ भी खाई जाती हैं, कुछ खुराक ऐसी है जिसकी वजह से बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं। तो आप अगर बवासीर की मर्ज़ से निजात हासिल करना चाहते हैं तो आप इस वजीफ़े को अपनी ज़िंदगी में एक बार ज़रूर लाएँ और आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएँगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पर यकीन रखते हुए इस वजीफ़े को आप रोज़ाना की बुनियाद पर जो मैं लिमिट बताऊंगा उसके मुताबिक आप करेंगे तो इंशाल्लाह बवासीर जैसी मर्ज से आप निजात हासिल कर लेंगे। सूरह आला, जैसे सूरतुल आला, सब्बिह इस्म रब्बिकल आला, 30वें सिपारे की सूरह है। इसे आप रोज़ाना एक बार पढ़कर पानी पे दम करें और उस पानी को आप रोज़ाना पी लें, दूसरे दिन फिर पानी पर दम करें फिर उस पानी को पी लें। ये 41 दिन तक ये वजीफ़ा आप जारी रखें। एक गिलास पर उसे दम करने के बाद गिलास वाला पानी पी लें, दूसरे दिन फिर ऐसा करें। 41 दिन तक मुसलसल इस वजीफ़े को जारी रखें और सूरह आला पढ़ने से पहले भी दुरूद शरीफ पढ़ें और आखिर में भी दुरूद शरीफ पढ़ें और फिर आप इसको जारी रखेंगे तो आपको 3 दिन में बवासीर की मर्ज से निजात हासिल होना आपको महसूस हो जाएगी कि आपको अल्लाह पाक ने कितनी आपके लिए आसानी पैदा फरमा दी है। शायद दवाइयों में इतना असर ना हो जितना इस वजीफ़े में इस मर्ज़ के लिए अल्लाह पाक ने शिफा रखी है और बरकत रखी है। तो आप अगर इस हवाले से मज़ीद भी मालूमात हासिल करना चाहते हैं या और भी कोई वज़ाइफ़ सीखना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं घरेलू मामलात के लिए, जिस्मानी बीमारियों के लिए, ज़हनी बीमारियों के लिए, तो आप स्क्रीन पर मौजूद नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं और मालूमात हासिल कर सकते हैं। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।